जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम फिर से पढ़ेंगे मेलिंग टैग के बारे में, और आज हम आईडी कार्ड के बारे में चीजें क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। विंडो के साथ आर ग्रीन वर्ल्ड, थोड़ा आज कुछ टाइम के लिए हमें एक्सेल में भी जाना पड़ेगा, थोड़ी टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा हमें। और कैसेस का यूज करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना थोड़ा सा भी इधर उधर देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगी टॉपिक। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें स्टेप ज्यादा है। ठीक है, मेलिंग टैब में आ गए, मेलिंग टैब में पढ़ना है आज, लेकिन उससे पहले आप इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से टेबल ले लेंगे। टेबल आप लोग या तो 3x3 का ले लीजिएगा, ये बच्चे का लीजिएगा, इस पर अप्लाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2x3 का ले लीजिएगा। 2x3 का मतलब 6 सेल। अभी कितने सेल है? 9 सेल है। अगर नहीं आ पाएगा इस पे तो हम लोग 2x3 पे काम कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा हम साइज इसका बढ़ा लेते हैं और इसकी साइज बढ़ा के कम से कम एक पेज के बराबर कर। ठीक है, आईडी कार्ड का साइज हो गया, देख रहे ना कितने सेल है, 9 सेल है, यानी 3x3 का है। 3x3 का मतलब 3 कॉलम और 3 रो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आए, यहाँ से पेज ले लिए ये वाला, और हमने इस पे क्या कर दिया ऐसे ड्रा हो गया ना। फिर हमने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट सेव का, मतलब सेव को आप एडिट कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो भी चेंजिंग करना है चेंजिंग कर सकते हैं। क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट पे, क्लिक करें, देखिए क्या किया है पीछे, समझिएगा, इतना तो समझ में आया है ना। yes, बस एक सेल को, जो सेल हमने ड्रा किया है सेल के अंदर, उसको हमने सेपेज को ले लिया। पहले हमने टेबल लिया है 3x3 का, फिर उसके अंदर क्या किया है, एक सेपेज ले लिया है। कौन सा सेपेज है? रेक्टेंगल से। और सिलेक्ट करके हम इस सेल को सिलेक्ट किए हैं और कहाँ गए हैं, एडिट पॉइंट पे, कहाँ पे, एडिट पॉइंट पे, यहाँ पे हो गए, ये रहा एडिट पॉइंट। और यहाँ एक ऑप्शन है अगेन एडिट पॉइंट, और इस कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा सिंबल बन जाएगा, दो बार आगे डॉट, देखो यहाँ भी डॉट हो गया, यहाँ भी डॉट है, मतलब यहाँ से पकड़ के आप सेल को उसका डायरेक्शन या फिर उसका शेप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ क्लिक करके हम ऊपर ड्रैग कर दे रहे हैं, ये देखिए शेप हमारा अच्छा लग रहा है ना शेप। और अब हम आए इंसर्ट टैब में और क्या किया, सर्कल ले लिया, सर्कल यहाँ पे, और सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लिया ताकि इस पे फोटो लगाया जाएगा। और पॉइंटर को हम यहाँ लेते हैं, ये पॉइंटर को। अच्छा, सब सही हो गया ना हमारा। अब इसी तरह सारे सेल में करना है, देखते हैं कि इस सारे सेल में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो ये करने के बाद आपको आना है मेलिंग टैब में, कहाँ आना है, मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आने के बाद आप आ जाएंगे कहाँ पे, स्टार्ट मेल मर्ज, कहाँ आएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पे, और यहाँ एक ऑप्शन देगा लेवल का, क्या ऑप्शन दिया है, लेवल का। अबे फिर से एक बार रिपीट कराएंगे लेवल का। अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे, अभी तक ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, जैसे लेवल का किया कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया, जो इंटरफेस जो भी हम इसमें से लेना है 1/4 या 1/2 जो भी लेना है ले लिया और ओके कर दिया। शायद इस सब पे अप्लाई ना हो पाए तो 2x3 का ले लिया गया इसके बाद, अगर नहीं अप्लाई होगा तो। ठीक है, ओके करना है और कंट्रोल जेड दबा देना है, देख रहे हैं ना। अब देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं था लेकिन एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया, क्या नाम है उसका, अपडेट है, जैसे क्लिक करेंगे देखिए सब पे हो जाएगा, सब पे हो गया, नीचे देखिए सब पे हो गया, सब पे हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ हेडिंग बनाएंगे, जो जो हेडिंग आपको चाहिए, आईडी कार्ड पे क्या रहेगा पहले आएगा नेम, या स्टूडेंट नेम कर लीजिएगा जो भी है, नेम नीचे लिख दिया, फादर नेम, फादर नेम, उसके बाद से मैंने लिख दिया आपका कोर्स, कोर्स उसके बाद लिख दिया मैंने ADDRESS, एड्रेस,
और क्या लिख दिया मैंने भाई, तो स्पेस की दिक्कत है, आराम से कर रहे हैं हम लोग का, या तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा यही सारे पे चाहिए तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे, फिर से सब पे हो जाएगा। देखिए अब देख सकते हैं सब पे हो गया वो, क्या करना को? कौन सा एडिट वाला? ये वाला क्यों हाईलाइट नहीं हुआ भाई? जाके करिएगा, नहीं होगा तो बुला लीजिएगा वो, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अभी अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, ये हो गया। अब इसको ऐसे रहने दीजिएगा, कुछ टाइम के लिए विंडो के साथ आर दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे EXCEL, लिख लीजिएगा यही टाइप करना है, EXCEL, इसे बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं? एक्सेल। लिख लीजिए पहले कॉपी में क्या क्या करना है, पहले सीट पे काम करने के बाद ये एक्सेल ओपन करना है। लिख लिया एक्सेल। अब देखिए एक्सेल को ओके करेंगे, यही इंटरफेस आएगा एक्सेल। यहाँ देखिए सामने थोड़ा सा, ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया। और जो हेडिंग आप यहाँ आईडी कार्ड के लिए बनाया ना, जो जो नेम, फादर नेम, कोर्स एड्रेस, देखे है ना, ऐसे आप लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे बना लेंगे। क्या बनाया सबसे पहले? नेम। उसके बाद क्या बनाया है? फादर। यस लगाए थे उसमें फादर्स नेम, कोई बात नहीं लगा लीजिएगा उसमें फादर्स नेम। उसके बाद क्या था? कोर्स। उसके बाद क्या था? एड्रेस। उसके बाद क्या था? MOB, मोबाइल नंबर, यही था ना। अच्छा बस थोड़ा सा यहाँ पे डबल क्लिक कर लिए, स्पेस सही हो गया। अब यहाँ पे नेम के नीचे चार पांच बच्चों का जितनी लिस्ट है हमारे पास, 1 2 3 ऐसे 9 है हमारे पास, यानी 9 बच्चों का नाम हमारे पास चाहिए। यहाँ 9 लिखे लोगों की लिस्ट बनाइएगा, तो बच्चे एक ही करके, बॉयज में एक ही करके उठेंगे, अपना डिटेल देंगे मुझे। खड़े हो जाइए कोई भी यहाँ से, टोपी जो पहने स्टैंड अप। हाँ बताइए नाम, बताइए। आदित्य। पिताजी का नाम मिस्टर? हाँ अरविंद। कोर्स BCA, ठीक है। एड्रेस PTR, और मोबाइल नंबर मान लीजिए कुछ भी डाल दिया हमने, 2 2 4 2 6। बैठ जाइए, एक और बच्चा खड़ा हुआ ऐसे ही, 9 लोग खड़े हैं, बगल में खड़े हो जाओ भाई, बताइए। आर्यन। पिताजी का नाम मिस्टर? हाँ कोर्स BCA, एड्रेस जाता है। और नेक्स्ट आलम। आलम नाम है तुम्हारा, अटेंडेंस में आलम आता है, अटेंडेंस में लिया जाता है तुम्हारा, क्या नाम है उसमें? पिताजी का नाम बताइए। हाँ स्पेलिंग बोलिए मिस्टर। हाँ AIUNUAA, सही है। कोर्स सबका DC है क्या? एड्रेस GDR, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका हो गया। हाँ चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट आदित्य।
पापा का नाम मिस्टर, पता है क्या हो रहा है, कीबोर्ड इतना टाइट हो गया ना, कोई बटन दबा तो दबे दबे रह जाए। कोर्स पीडीएफ पे पीडीएफ पे है, और एड्रेस क्या है आपका? खड्डा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर ऐसे बैठ जाइए। नेक्स्ट बताइए, चार लोग हैं, पांच लोग और चाहिए। उत्कर्ष उत्कर्ष राव, पिताजी का नाम मिस्टर उत्कर्ष रामाशीष, RAM ASH, ठीक है। कोर्स कौन सा है? राव ADF पे। एड्रेस? और बस बैठ जाइए। हाँ और बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इतने नाम हो गए ना, बाकी ऐसे ब्लैंक रहेगा, कोई बात नहीं। तीन दो पांच हो गए, अब हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। कहाँ सेव करना है? लोकेशन ब्राउज कर लीजिए, हमने लिख लिया म्यूजिक में। किस नाम से? बुक वन नाम से नहीं, फोर के नाम से, 4.3 के नाम से सेव कर लिया, और हमने इसको बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं होता है? क्योंकि जब तक हम लिस्ट नहीं ओपन करते हैं तब तक ये ऑप्शन क्या होते हैं, ऑन हाईलाइट रहते हैं, ऑन हाईलाइट रहते हैं। हाईलाइट करने के लिए उस लिस्ट को ओपन करना होगा जो लिस्ट आप चाहते हैं। यहाँ पे तो आप जाएंगे सिलेक्ट पे, और कहाँ जाएंगे? यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। कहाँ जाएंगे? क्लिक करेंगे। आपकी लिस्ट कहाँ है? म्यूजिक में। किस नाम से? एक्सल वाला देखिएगा, कुछ और मत ओपन कर लीजिएगा। एक्सल वाला 4.3 ओपन कर लिए और ओके कर दिए। देखिए ये अब पूरे ऑप्शन हाईलाइट हो गए, हाईलाइट हो गए। अब आना है, इत्मीनान से करना है, नाम के सामने मर्ज फील्ड ऐसे इंसर्ट कराते थे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कराते थे ना, वैसे नाम के सामने आप आइएगा। नाम के सामने नेम स्पेस देके, थोड़ा सा स्पेस देके, फादर नेम के सामने स्पेस देके, क्या होगा? फादर नेम, कोर्स के सामने स्पेस देके, कोर्स, एड्रेस के सामने स्पेस देके, एड्रेस, और मोबाइल के नंबर के सामने स्पेस देके मोबाइल नंबर। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे सब पे चाहिए तो क्या करेंगे, अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे। देखिए सब पे अपडेट हो गया। हाँ बस लास्ट में हम लोग क्या देखते थे, आंसर देखने के लिए क्या देखते थे? प्रीव्यू रिजल्ट। क्या देखते थे? देखिए सबका नाम आ गया, देखिए नाम आ गया, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, लेकिन सिर्फ पांच ही लोग आएगा, 6 से ब्लैंक रहेगा, 6, 7, 8, 9 ब्लैंक है, क्योंकि आपने सिर्फ डिटेल कितने लोगों की फिलअप की है, पांच लोग, इसलिए पांच ही डाटा आ रहे हैं। यही आपको करना है। फोटो के ये नहीं कि फोटो भी लगा के अपडेट लेवल कर दीजिएगा, फोटो तो अलग अलग लगेगा। आप सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेट में आके कलर चेंज कर लीजिएगा, इसका कैसे फिर से कलर चेंज कर लीजिएगा, उसमें बैकग्राउंड भी वाइट कर लीजिएगा, और क्या करिएगा, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करके इसमें इमेज इंसर्ट करा दीजिएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा आपका। इमेज इंसर्ट कराना जानते ही हैं आप लोग, यहाँ से पिक्चर कोई भी इमेज ले लीजिए। और ये बैकग्राउंड जो है वाइट का, इसको भी वाइट कर लीजिएगा, फॉर्मेट पे है, और यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन, इसको भी क्या कर लिया, वाइट ले लिया। अब अपडेट लेवल मत कर दीजिएगा, वरना अगर अपडेट लेवल कर देंगे तो क्या होगा, सारे पे यही फोटो हो जाएगा। कंट्रोल जेड, अपडेट लेवल नहीं करना, ठीक है? तो दिक्कत है तो एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा और कर देखते जाइए, और जो इम्पोर्टेंट लगे लिखते जाइएगा। हमने एक नया पेज लिया है, नया पेज लिया है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे टेबल लेना है, कितने का? 3x3 का, यानी तीन रो और तीन कॉलम चाहिए, और इनकी साइज क्या करनी है, हमें थोड़ी बढ़ा देनी है, बहुत ज्यादा मत कर दीजिएगा। ठीक है,
अच्छा इसके बाद से हम लोग क्या किए हैं, एक मिनट गए, इसके बाद क्या किए हम लोग, सेब लिए हैं। सेब लेने के लिए कहाँ गए हैं, इंसर्ट टैब में, स्टेपेज में, और एक स्टेपेज लेकर, और सेब लेने के बाद क्या करिए हैं आप, एडिट सेब पे, और उसके बाद एडिट पॉइंट, कहाँ क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे, कहाँ क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे, और क्या करेंगे इसको उठा के ड्रैग कर देंगे ना, साइज थोड़ा बराबर इसको रखिएगा ताकि इस पे आप सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट में आके इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लें आप थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ पे आप कुछ लिख भी पाए, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट यहाँ पे करके आप लिख भी पाए, पहले ही बोल्ड कलर चेंज कर लिया और ताकि लिख पाए यहाँ पे क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट। अब क्या चाहिए हमें, इंसर्ट पे आएंगे, एक स्टेपेज ले लिया सर्कल वाला, इसके लिए इमेज लगा लिया, यही था ना, इमेज लगा लिया। इस स्टेपेज का साइज अगर सही नहीं रहेगा तो सब पे अप्लाई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इमेज यहाँ लेते आए और क्या करेंगे उसके बाद से, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है बना लेंगे ना आप लोग। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग बना लिया ऐसे, नेम कॉलन लगा दिया, उसके नीचे हेडिंग क्या बना लिया, फादर्स नेम, और उसके बाद से कोर्स कॉलन लगा दिया, उसके बाद एड्रेस कॉलन लगा दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर, अभी ये सब पे सही है ना हमें, तो सबसे पहले हम कहाँ जाना पड़ेगा, मेलिंग टैब में, कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, स्टार्ट मेल बॉक्स, देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट है यहाँ पे, कोई ऑप्शन अपडेट लेवल भी हाईलाइट नहीं है, यानी पहले इनको लेवल में लाना पड़ेगा, पहले एक लेवल में इनको लाना पड़ेगा तब कुछ कर पाएंगे। तो कहाँ जाएंगे, स्टार्ट मेल बॉक्स पे, और कहाँ जाएंगे, लेवल पे, लेवल से यही 1/1/4 वाला सेक्टर ले लेंगे, और क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, और अगेन ओके कर देंगे, पूरा गायब हो जाएगा पूरा, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे, लिख लीजिएगा, पूरा गायब हो जाएगा तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे, और अब क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका लेवल वाला क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है ना, बस क्या करिए, अपडेट लेवल पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सब पे हाईलाइट हो गया, हाँ, और अब क्या करना रहेगा, क्या करना होगा, एक्सेल पे कहीं जाके साइड में डाटा बना लीजिएगा, डाटा कैसे बनाना है, जो हेडिंग यहाँ पे है वही हेडिंग वहां रख लीजिए, फिर उस लिस्ट को ओपन करना पड़ेगा, कहाँ से, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और कहाँ क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, कहाँ है, म्यूजिक में, ये एक्सेल वाली फाइल 4.3 से ओपन कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मर्ज फील्ड इंसर्ट कराएंगे, क्या इंसर्ट कराएंगे, कहाँ, सबके सामने, नाम के सामने, इस पे देखे, नेम, फादर नेम के सामने, फादर नेम, कोर्स के सामने, कोर्स, एड्रेस के सामने, एड्रेस, और ये मूवी के सामने, और क्या कर देंगे, सब पे हो गया, और लास्ट में क्या करते हैं बाबू, प्रीव्यू देखते हैं, आप देख सकते हैं डाटा हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ अगर आपने मर्ज फील्ड को जो लास्ट में आपसे इनपुट कराए हैं, ये आपका मर्ज फील्ड, इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, देखिए जहां जहां मर्ज फील्ड है वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये एड्रेस ब्लॉक है, ये बताता है क्या क्या चीजें हुई है, देखिए आदमी आदित्य ऐसा चेंज करेंगे, आर्यन पटरौना, असलम जीटिया, आदित्य खट्टा, उत्कर्ष पीएलसी, सब बता रहे हैं इनका डिटेल, ये एड्रेस ब्लॉक है। ठीक है, और मैच फील्ड बताया ही थे कि मैच कराते हैं, नाम में नाम है, हाँ, लास्ट नेम में जो भी है सारी चीजें मैच कराते हैं, और सबका एक साथ देख ही रहे हैं आप लोग, बाकी यहाँ से आगे पीछे करते हैं हम लोग।
ये वाला बिल्डिंग जानते हैं आप, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना, बस यही करना है। और लास्ट में एडिट इंडिविजुअल पे आ लिखा पे भी कर देंगे, सबका सही हो जाएगा। देखिए सबका पांच लोग बनाए थे, पांच लोग आए, तो आज की क्लास में आपको यही करना है। अब फाइनली आपका मेलिंग टैब बताओ, देख रहे हैं ना, सारा काम लिस्ट से हो रहा है, इसमें सारे काम लिस्ट से हो रहे हैं, अब तो कर लेंगे। दो बार बता दिए, अगर फिर भी नहीं आएगा तो तीसरी बार भी बता देंगे अगली क्लास में, कल यानी सैटरडे को पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली क्लास से जब हम मिलेंगे तो रिव्यू टैब और व्यू टैब पढ़ना है, ये दो टैब पढ़ना है, फिर स्टार्ट होगा आपका एमएस एक्सेल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा आपका एमएस एक्सेल। कोई डाउट है, कर लेंगे सब लोग।